इंडिया गठबंधन के जीत से राहुल गांधी 2024 में बनेंगे प्रधानमंत्री हुआ बड़ा खुलासा भाजपाइयों में भारी दहशत दरअसल आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के नेतृत्व वाले केंद्र की सत्ता पर काबिज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए को हराने के लिए 28 विपक्षी पार्टियों ने गठबंधन किया है विपक्षी पार्टियों के गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया गठबंधन में प्रधानमंत्री पद के लिए चेहरा कौन होगा इसे लेकर रार अभी थमती नजर नहीं आ रही है अब कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य और केरल की तिरुवनंतपुरम लोकसभा सीट से सांसद शशि थरूर ने यह कहा है कि कांग्रेस में राहुल गांधी के अलावा कौन कौन प्रधानमंत्री पद का दावेदार है शशि थरूर ने कहा कि 2024 चुनाव के नतीजे चौंकाने वाले हो सकते हैं उन्होंने कहा कि संभव है कि इंडिया गठबंधन एनडीए ए को हराकर सत्ता में आ जाए हमें इंतजार करना होगा और ये देखना होगा इंडिया गठबंधन सत्ता में आता है तो कांग्रेस की ओर से प्रधानमंत्री कौन होगा इस सवाल पर शशि थरूर ने कहा कि मुझे लगता है कि जब चुनाव नतीजे आ जाएंगे तब सभी पार्टियों के नेता बैठक करेंगे और किसी एक को चुनेंगे ये गठबंधन है कोई एक पार्टी नहीं लेकिन मेरा अनुमान है कि कांग्रेस पार्टी की ओर से या तो मल्लिका अर्जुन खड़गे हो सकते हैं जो देश के पहले दलित प्रधानमंत्री होंगे या फिर राहुल गांधी होंगे क्योंकि कांग्रेस कई मायनों में एक परिवार से चलने वाली पार्टी है गौरतलब है की को कमेटी को भी जोड़ ले तो इंडिया गठबंधन की अब तक चार बैठकें हो चुकी है पटना बेंगलुरु और मुंबई में बड़े नेताओं की बैठक के अलावा कोआर्डिनेशन कमेटी की बैठक नई दिल्ली में एनसीपी प्रमुख शरद पवार के आवास पर भी हुई थी इन चार बैठकों के बाद प्रधानमंत्री पद के लिए चेहरे की कौन कहे सीट शेयरिंग का फार्मूला तक नहीं निकल पाया प्रधानमंत्री पद के लिए कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का नाम आगे करते रहे हैं तो वही समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जेडीयू के नीतीश कुमार आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल शिवसेना यूबीटी के उद्धव ठाकरे और टीएमसी के ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बताती रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख डॉक्टर फारूक अब्दुला ने गठबंधन के घटक दलों को यह स्पष्ट कर दिया है कि प्रधानमंत्री के लिए नाम चुनाव के बाद तय कर लेंगे